हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत गढ़ अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज मैं ये डिज़ाइन आप लोगों को सिखाऊंगा। फिर ये भी एक रिक्वेस्ट का वीडियो है, और क्योंकि ये हमारा नया चैनल है, इसमें हम सभी रिक्वेस्ट का वीडियो और साथ ही साथ कुछ डिज़ाइन वगैरह बना के भी हम दिखा देंगे। तो फिलहाल ये कुछ रिक्वेस्ट का वीडियो हमारा जो प्रशांत का चैनल में जमा पड़ा था, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। और इसमें फ्रेंड आप देख ही रहे स्क्रीन पे, ये जो रिक्वेस्ट आया है ये बहुत ही सिंपल ब्लाउज है, मगर इसमें हम यूज़ करेंगे जो कॉलर वगैरह है उसे हम थोड़ा सा स्टिचिंग करके दिखा देंगे, क्योंकि हमें लग रहा है ये कॉलर थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोगों के लिए मैंने एकदम आसान करके इसका स्टिचिंग थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा, और इसका जो पैटर्न है वो मैं आप लोगों को फुल दिखा दूंगा, यानी कि किस तरीके से हम इसका ड्राफ्टिंग करते हैं, पैटर्न करते हैं A to Z। और जिस तरीके से सिर्फ मैं कॉलर को दिखा दूंगा, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत आसानी से ये डिज़ाइन आप लोग कर सकते हो। तो चलिए, इसके लिए हम हमेशा जैसे कि बोलते हैं एक बेसिक पैटर्न होना चाहिए, और बेसिक पैटर्न बोले तो फ्रेंड इसके लिए आप लोगों को ऑब्वियसली हाईनेक का पैटर्न चाहिए, हाईनेक प्रिंसेस का पैटर्न चाहिए। जिन लोगों को प्रिंसेस कट कट कैसे करते हैं, प्रिंसेस कट जो ब्लाउज आप लोगों को अगर करना नहीं आता है, तो हमारा प्रिंसेस कट वीडियो देखकर आप सीख लीजिए। मैंने ये प्रिंसेस कट काटना नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने सिर्फ ऊपर वाला जो डिज़ाइन है और बैक में किस तरीके से करना है उसका मैं ड्राफ्टिंग दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक प्रिंसेस कट का एक पैटर्न। देखिए, हमारा जो 30 साइज हाईनेक वाला जो पैटर्न है वो मैं ले रहा हूँ। ये देखिए, ये है 30 साइज। ओके, ये स्लीव है, स्लीव तो हमारा नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ ये दो पार्ट हमारा चाहिए इस डिजाइन में। और इस डिजाइन को आप ध्यान से सुनिए फ्रेंड, इस डिजाइन को करने के लिए शोल्डर का जो मेजरमेंट चाहिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं। ये जो तस्वीर आप लोग दिख रहे हैं फ्रेंड, जो मैक्सिमम जो शोल्डर बाहर की ओर जो है वही शोल्डर हम यूज करेंगे। इसके दो तरीका है, आप अगर डायरेक्टली आप पैटर्न यूज कर रहे हैं तो उसमें हम कम कर देंगे, आप अगर डायरेक्टली आप मेजरमेंट से कर रहा है तो मेजरमेंट के लिए शोल्डर का माप फ्रेंड वही से स्टार्ट होगा, बाहर की ओर मत लीजिएगा, ठीक है। वो एक मेजरमेंट चाहिए, नेक की मेजरमेंट चाहिए, और फ्रंट डेप्थ कितना करना है उसकी मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आर्म होल का थोड़ा सा अलग से मेजरमेंट होगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, एकदम क्लियर कट दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमारा जो बैक पार्ट है वो हम कट करेंगे। तो बैक पार्ट ये तो है हमारे पास, तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा हमारा बैक पार्ट। और देखिए, आप अगर पैटर्न यूज कर रहा है तो जिस जगह में आपने शोल्डर ली है फ्रेंड, तो उसी तक आप लोगों को इसी तरह एक मेजरमेंट लेना है। मानिए हमारा शोल्डर 10 इंच है, ठीक है, तो 10 इंच से हम पैटर्न से इसे लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने डायरेक्ट अपने जो मेजरमेंट लेकर अपने डायरेक्टली पैटर्न यानी कि प्रिंसेस कट पैटर्न कट के उसके बाद कर रहा है, तो आपके लिए शोल्डर उसी तरह ही लेनी है, बस और कुछ नहीं है। और उसके बाद जैसे कि पैटर्न कट अगर डायरेक्टली आप लोग करेंगे तो उस जगह में ही शोल्डर डाउन होगा, तो इसी तरह जैसे कि मानिए हम सीधा अगर करें तो इसी तरह ही शोल्डर डाउन फर्स्ट टाइम होगा, मगर हमारे पास ऑलरेडी पैटर्न है तो इसलिए जैसा है वैसे ही हम इसे इस जगह में यूज़ करेंगे। और जिसके पास ये पैटर्न है तो उन लोगों को करने में बहुत आसान है, आप लोगों को लिए फ्रेंड ज़्यादा झंझट नहीं होगा। तो ये देखिए, सिर्फ हम इतना सा इस जगह में कर देंगे, ये देखिए बस, और कुछ नहीं है इस जगह में, और सिंपल सा हम बैक पार्ट इसी तरह कट कर लेंगे। और इसमें कॉलर वगैरह लगा हुआ है तो इसके लिए हम बैक डेप्थ हम हाफ इंच करेंगे, ठीक है फ्रेंड। आप अगर डायरेक्टली फर्स्ट टाइम अपने पैटर्न बनाएंगे तो मानिए आपका शोल्डर, उसके बाद शोल्डर डाउन, नेक विथ, ऐसे करके वो आएगा, तो एक ही बात है। देखिए इस तरह जैसे मैं कट कर रहा हूँ और ये भी वैसा ही है, तो हम क्यों हम अपना बग जया करें फ्रेंड, तो हम जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी है तो उसी तरह ही हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा बैक पार्ट कट करना हो गया है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो टाइप आप लोग कर सकते हो, एक बैक ओपन के साथ साथ आप लोग कॉलर भी ओपन कर सकते हो इस डिज़ाइन में। अदरवाइज जो नीचे वाला हिस्सा, जैसे कि इस जगह में आप ओपन करके
इस जगह का ब्लॉक भी कर सकते हो क्योंकि ये ऊपर से पहनना पड़ेगा, वो तरीका से भी आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली कॉलर वगैरह साथ साथ आप, और नहीं तो और एक तरीका कर सकते हो जैसे कि बैक जो भी है इसे फिक्स करके सिर्फ कॉलर आप खुला रखिए बैक में, तो कॉलर का दोनों तरफ खुला रहेगा, एक फ्रंट की ओर और बैक की ओर। तो जो चाहे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मगर मैं जो तरीका मैं दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड, तो मैं जैसे कि इसमें दिखाऊंगा बैक ओपन नहीं होगा, फ्रंट ओपन होगा कॉलर का, और गला बहुत ही बड़ा है तो इसलिए ऊपर से पहनने में कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, मैं वो तरीका दिखा रहा हूँ, मगर आप लोगों को अगर करना है आप अपने हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो फॉर्मेलिटीज सब एक ही है, कॉलर अगर आप लोग खुला रखना चाहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से करें, मैं करना चाहते हैं इस तरीके से, ऐसे करके मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस जगह को खुला छोड़ना चाहता हूँ और ये ब्लॉक रहेगा, ये भी ब्लॉक रहेगा, ऊपर से कॉलर होगा, मैं इसी तरह करना चाहता हूँ। और जो दूसरी जो तरीका मैंने बताया फ्रेंड, जो कॉलर का इस जगह में ओपन होगा और हमारा जो बैक पार्ट वाला इस जगह में ओपन होगा, ये एक तरीका है। अदरवाइज आप पूरा ओपन भी कर सकते हो इसी तरह, यानी कि इस जगह में सीम्स लेनी है और इस जगह में जो हम लोग सीम्स लेते हैं वो थोड़ा सा कम लेते हैं, और कॉलर में जो हम लेते हैं वो जैसे इसके साथ ही वो रिलेटेड होता है, कॉलर हमेशा इक्वल होता है। तो मैं एक इजी टेक्निक दिखा रहा हूँ, मैं कॉलर को ब्लॉक करके दिखा रहा हूँ, देखिए डायरेक्टली दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ये हमारा बैक पार्ट है, ओके। और साथ ही साथ जैसे कि प्रिंसेस कट में हमारा जैसे कि नहीं करना पड़ेगा, हमारा हमारे पास फ्रेंड ऑलरेडी है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये रहा हमारा प्रिंसेस कट का जो जगह है ये, और ये है हमारा बैक पार्ट। चलिए इसे हम ऊपर में बिठाते हैं, ये देखिए इसी तरह, तो हम इसे यूज़ करेंगे इस जगह। तो चलिए सबसे पहले हम अपना जो प्रिंसेस कट का इधर का जो पार्ट है वो हम ड्रॉ करेंगे, और बाकी ये वाला जो पार्ट है ये चेंज नहीं करना है। तो चलिए हमारा जो बैक पार्ट है वो ही हम कट करें, ये रहा हमारा बैक पार्ट, ओके फ्रेंड। ये ठीक है, तो इसे ड्रॉ करने के बाद आपका जो एस पार्ट है ना उसे आप ड्रॉ करेंगे, जैसा है वैसा ही आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखा इस जगह को हमें नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो है इस तरीका चाहिए। जब हम प्रिंसेस कट करते हैं तो थोड़ा सा इसी तरह मेजरमेंट होता है, मगर इसमें हमारा जो जो नेक राउंड होता है, हमेशा जो नेक विथ होता है उसे हम इसी तरह वर्टिकली कर देंगे। नेक विथ जितना है 2.5 है, तो 2.5 को हम इसी तरह कर देंगे, उसके बाद इसे इसी तरह ऐसे कर देंगे। बस यही आप लोगों को इस जगह में थोड़ा सा चेंजिंग करनी है, और जैसे कि हमारा फ्रंट में जो सीम्स जाएगा फिर, तो उसके लिए हम इस जगह में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इस जगह में ऐसे करके ले रहे हैं। और ये जो हमारा जो पैटर्न था फ्रेंड, इसमें फ्रेंड जो फ्रंट ओपन था, तो इसलिए ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, और ये इसके साथ ही हम इसे मिला देंगे। इस जगह में क्या करेंगे, इस जगह में हम एक कॉलर करना चाहते हैं, तो कॉलर के लिए इस जगह में हम
इसे चाहते हैं, चलिए थोड़ा सा हम सीम्स इस जगह में हम ले लें, इतना सा सीम्स हम इस जगह में ले लेंगे। और इसके साथ क्या करेंगे, हम इसी तरह एक शेप दे देंगे।